हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। ये देखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक स्मॉल बंच लिया है पालक का, जिसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। दो मीडियम साइज़ का आलू, जिसको क्यूब में हमने कट कर लिया है। एक प्याज, एक टमाटर, 6-7 लहसुन की कली और हरी मिर्च। प्याज और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये सब्ज़ी आप सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही यम्मी बनता है। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा सा तरक जाए फिर उसमें हम लहसुन, जो हमने चॉप गार्लिक रखा था, और ग्रीन चिली 2। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा भी चिली डाल सकते हैं या फिर ना भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा भून जाए, 1 मिनट तक इसको भून ले, उसके बाद हम एक प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको हमने काट लिया है छोटा छोटे टुकड़ों में, उसको डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा ब्राउन हो जाए उतने तक हमें इसको भूनना है। और याद रखें, फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें, हाई ना करें, नहीं तो प्याज जल जाएगा और सॉफ्ट नहीं होगा। जब हल्का सा भून जाएगा प्याज, उसके बाद इसमें हम जो हमने आलू काटा था 2 मीडियम साइज़ का, इसको छोटे छोटे क्यूब में हमने काटा था, बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का, उसको डालेंगे। और प्याज के साथ आलू को भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे, जिससे कि आलू पहले थोड़ा पक जाए और हल्का सा ब्राउन भी हो जाए। इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद कुछ सूखा मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस टाइम पर फ्लेम को आप लो रखें ताकि मसाला जले नहीं। 1 मिनट तक इसे सौते करने के बाद इसमें एक टमाटर कटा हुआ डाल देंगे, जिसको छोटा छोटा हमने काट लिया है। फिर इसमें हम नमक डालेंगे। टमाटर डालने के बाद ही नमक डालें, जिससे कि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएगा और आलू भी हमारा पक जाएगा। नमक स्वाद के अनुसार आप डालिए, जितना सब्जी है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसे थोड़ा कवर करके 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, जिससे कि आलू अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी गल जाए। अब इसके बाद हमने जो पालक लिया था उसको काट लिया था, अब इस पे पालक डालेंगे हम। आप पालक इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं या आलू कम भी कर सकते हैं, आपके पसंद के अकॉर्डिंग है। बस पालक को आलू के ऊपर फैला के फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। जब हल्का सा गल जाएगा पालक, उसके बाद इसको मिलाएंगे। पालक गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसलिए हमने आलू को पहले फ्राई किया ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, आलू तो पक चुका है, बस थोड़ा सा और हम इसको ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे। जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और आलू पालक एक दूसरे में मिल जाए। अब इसके बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। बस सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बनता है और टेस्टी भी बहुत ही बनता है। ये आप बच्चों के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, चपाती के साथ या पराठा के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। और आप ये सब्जी एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखें, ये बहुत ही यम्मी बनता है। और पालक हेल्दी तो होता ही है और आलू बच्चों को पसंद आता है, तो आप इसमें पालक मिलाकर बच्चों को भी दे सकते हैं, वो ज़रूर पसंद करेंगे, ज़रूर खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।